ने पांच स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी के आरोप में अंतरिम आदेश जारी किया है। इन कंपनियों पर बल्क मैसेज भेजकर इन्वेस्टर्स को लुभाने का आरोप है। जरा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर मिश्रा। अंकुर, जानना चाहेंगे बड़ी कार्रवाई सेबी ने की है, कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने मैनिपुलेशन किया है, शेयरों में हेराफेरी की है और क्या कार्रवाई की गई है? अगर हम कंपनियों की बात करें तो ऐसी पांच स्मॉल कैप कंपनीज आइडेंटिफाई की हैं सेबी ने, जहां पर हेरा फेरी हो रही थी स्क्रिप्ट में। मतलब ये है कि जो छोटे निवेशक हैं उनको बल्क एसएमएस भेजे जाते थे, वहां पर उनको लुभावने प्राइस मैनिपुलेशन के कि ये शेयर आगे बढ़ जाएगा, आप खरीद लीजिए, इस तरीके से जिसको सेबी ने नाम दिया है वो एसएमएस भेजे जाते थे, और बाद में जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ गया उसको बेचकर मोटिव कमाई करते थे। और इसमें बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर जो फायदा हो रहा था वो कंपनियों के साथ भी शेयर किया जा रहा था। तो ये जो अंतरिम आदेश अभी दिया गया है यहाँ पर सेबी द्वारा, और जो 126 करोड़ रुपए रॉन्गफुल गेन्स का यहाँ पे आरोप है, ये हम ये भी यहाँ पे साफ कर दें कि ये अभी ये सिर्फ अंतरिम आदेश है। अब पूरा ऑर्डर पूरी जब जांच हो जाएगी उसके बाद आया था, लेकिन अभी के लिए सेबी ने एक कड़ा संदेश भेजा है कि इस तरीके के जो लुभावने मैसेजेस आते हैं वहां पे प्राइस वॉल्यूम की रिगिंग की गई है और 226 एंटिटीज इसमें दोषी पाई गई। बिल्कुल, तो 226 ऐसे कंपनियां जिनमें ये गड़बड़ी पाई गई थी और इसलिए बड़ी कार्रवाई हुई है, और पांच स्मॉल कैप कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की है सेबी ने। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अंकुर। आगे बढ़ेंगे इंडिगो